देखो थोड़े दिन पहला साढ़े साथी जिहड़े साढ़े नाल रेगुलर साइकिलिंग करते रहे आ और रनिंग वगैरह करते रहे बजुर्ग, उन्हां दा रीसेंटली धोबी घाट के नेड़े रोड एक्सीडेंट च उन्हां दी डैथ हो गई। और सब तो वड्डी त्रासदी यह है भी साढ़े हुशियारपुर शहर के जिथे इस एरिया गिणिया सिविल लाइन पॉश एरिया गिणिया जाता, इतने कोई भी पार्क या इस तरह का कोई भी जगह नहीं हैगी जिथे लोग सैर कर सकन या अपनी सेहत को चंगा कर सकन। लै दे कि लोग धोबी घाट या माल रोड के उत्ते आके सैर करते हैं, उत्थे इन्नी ट्रैफिक हुंदी है ते लोगों की जान जी हमेशा खतरा रहता। पहले भी इतने एक्सीडेंट होए, पहले भी डैथ हो चुकी है। तो जिदा ही कचहरियाँ इतों शिफ्ट हुई जड़िया पुरानिया कचहरियाँ नवी कचहरियाँ बनिया, तो पुरानी कचहरी जगह खाली सी। तो मेरे दिमाग से यह आया भी जी ये जगह हैगी पार्क बना के लोगों को समर्पित की जाए। और मैं पता लगा भी ये जी जगह आ सरकार इनू बेच के इनू शॉपिंग मॉल या कमर्शियली इनू एक्सप्लॉयट करना चाहती है। लेकिन मैं ये दसना चाहना भी हुशियारपुर जिहड़ा जिला आ जे पंजाब की गल करांगे तां फॉरेस्ट एरिया के हिसाब न करांगे तो नंबर वन आ, लेकिन जे शहर चो पार्कों की गल करिए तो हुशियारपुर सब तो पिछे पिछड़े आ। शहर के पौश इलाके च एक सिंगल पार्क भी नहीं हैगी जिथे आम लोग सैर कर सकन। तो मेरी यही फिट बाइकर क्लब वालों तो सारे शहर वासियों नाल यही पुकार सी भी इनू कमर्शियली डिवेलप ना किया जाए, इनू पार्क बना के लोगों समर्पित किया जाए। और ये जी जगह आ जिथे आप खड़े हैं सैशन कोर्ट है, ये बिल्डिंग जी तकरीबन 100 साल तो वध पुरानी हैगी है और दो भी कचहरियाँ जी 100 साल तो वध पुरानी है। इन्हां बिल्डिंगां नू प्रिजर्व करके इन्हां नू म्यूजियम या लाइब्रेरी का रूप दे के एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए ताकि पंजाब च टूरिज्म भी डिवेलप होवे। और दूसरी वड्डी गल ये सारी दी सारी जगह जी पटियाला परिवार राय बहादुर जोधा मल पटियाला ने दान विच दित्ती सी सरकार नू, उन्हां दी दान देण वाले दी पिछे मंशा ये सीगी भी लोगों के भले वास्ते उन्होंने जगह दित्ती है। लेकिन अज वो दुनिया च नहीं है, लेकिन उन्होंने जी दान दी जगह जे कमर्शियली आप एक्सप्लॉयट करांगे तो उन्होंने आत्मा भी जरूर तकलीफ होगी। तो मैं यही सरकार अगर रिक्वेस्ट करदा भी जेडे पार्क है इनू शहर पार्क बनाया जाए, तुम शॉपिंग मॉल बनाने या जो भी बनाना शहरों बाहर बनाओ। जिन्हें शॉपिंग कर जाना गड्डी बैठ के उन्हें हर जगह पहुँच जाना, लेकिन हुण जिहड़े पहले पार्क हैगे आ वन चेतना पार्क बसी जना पार्क जिहड़े बनाए आ वो बिल्कुल ही शहरों बाहर आ। उत्थे तुसीं गिणती जाके चैक करो भी गिणती दे 10-15 बंदे आंदे होगे उत्थे सैर करन वास्ते और एकड़ां च उह जगह हैगी आ। तुसीं उत्थे देखो जे तुहानूं समें समें उत्थे जाके सप आम मिलणगे। उत्थे लोकी सैर करन नहीं जांदे क्योंकि दूर बहुत पैंदा। जे इहनू शहर नूं पार्क बना दित्ता जाए तां इह हुशियारपुर जिले वास्ते बहुत वड्डी होगी। ते वैसे भी गल करिए कहिंदे कमर्शियल जगह महंगी आ, मैं इस गल नाल एग्री करदा, लेकिन लोगों की सेहत तो उपर तो कुछ नहीं है ना। तुम न्यूयॉर्क की गल कर लो, सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के विच वो हैगा, दिल्ली कर लो, कलकत्ता कर लो, बॉम्बे कर लो, किसे शहर चल जाओ, जलंधर चल जाओ, शहर के सेंटर च सरकार ने पार्क बना के दित्तियां ताकि लोग अपनी सेहत चंगी रखन। कि हुशियारपुर वाले ने की पाप किया है, सानू इत्थे हुशियारपुर के लोगों इत्थे पार्क नहीं चाहिए। तो असीं तुहाडे थ्रू सारे सरकार नूं भी सुनेहा देना चाहते हैं ते लोगों नूं भी यही सुनेहा देना चाहते, साडे नाल साथ दिओ ताकि असी ये पार्क नूं प्रॉपर डिवेलप कर सके। जे सरकार कहिंदी है कि मेरे कोल फंड नहीं है पार्क नूं डिवेलप करन दे, मैं ये तुहाडे सामने कमिट करदा असी सारे शहर वासियों नाल रल के असी आपे ही पार्क भी बना लांगे और मेंटेन भी नूं प्रॉपरली करांगे। की तुहानूं लगदा कि तुहाडे वल्लों जिहड़ा ये प्रयास किया जा रहा है ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ, ਇਹ 100-100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੂਟੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100-100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਚੂਰੀ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਏ।
दिमाग च आया कि इनू डिवेलप करके पार्क का रूप दिता जाए क्योंकि ये ना सेंटर के बच्चे है इतने नेड़े तेड़े कोई जगह है नहीं इदा की जिस बच्चे भी जा सकन बजुर्ग भी जा सकन औरतें भी जा सकन एक बिल्कुल सेंटर और एक पॉश एरिया एरिया है।